हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर को। ये चैप्टर ना बहुत ही खुशी की बात है कि पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, सिर्फ छोटा सा पोर्शन आ रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना पोर्शन आ रहा है। तो ये एंड दिस, जस्ट इतना पेज नंबर 80 तक आ रहा है। सिर्फ गिनती के 4 पेजेस आ रहे हैं आपके लाइक बोर्ड्स में, बाकी का आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाकी आपका प्रोजेक्ट वगैरह में चला गया है। तो दैट मीन्स दिस पोर्शन, जो छोटा सा पोर्शन आ रहा है, आपके लिए बहुत स्कोरिंग होने वाला है। तो आपको इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। सबसे पहले तो ये ग्लोबल जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है हमारा ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन वर्ड से ये ग्लोबल वर्ल्ड आया है, या वर्ड आया है, सॉरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ पहले से। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, मैं नॉर्मल शब्दों में अगर आपको बताऊँ तो, जब दो कंट्रीज अपना हाथ मिलाती हैं एंड कुछ करती हैं, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज, लाइक ट्रेड हो रहा है, जैसे कि है ना, ट्रेड है या खाना इधर से उधर जा रहा है, कुछ भी इधर से उधर जा रहा है, बेसिकली एक तरीके से दोस्ती होना दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, तो वो होता है ग्लोबलाइजेशन। तो उसी को द टर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम कहते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि ना लास्ट 50 ईयर्स से कुछ है एग्जिस्टेंस में। एंड इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसे तरीके से देखने वाले हैं, ट्रेड, माइग्रेशन, लोग। एंड जो पोर्शन आपको पढ़ना है उसके अंदर, तो आप स्पेगेटी, पोटैटोज, आलू वगैरह जो होते हैं, डिसीजेस, इन सब के बारे में पढ़ोगे कि ये कैसे एक दूसरी जगह गए। तो पूरे टाइम हिस्ट्री में ह्यूमन सोसाइटीज़ जो है वो इंटरलिंक्ड रही है हमेशा से। जब एंशियंट टाइम से तब से भी जो है नॉलेज, जैसे कि जो प्रीस्ट वगैरह होते थे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे अपनी शिक्षा देने कि हमें ये करना चाहिए। जैसे लॉर्ड बुद्धा आप जानते होंगे, है ना, वो क्या करते थे, वो अलग अलग जगह पे जाते थे अपनी टीचिंग्स देने। तो नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ये सब चीज़ें जो है कैरी होती गई है, है ना, एंशियंट टाइम से ही। वो गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल, आइडिया, इन्वेंशन, जर्म्स, डिसीजेस, ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल पहले के टाइम से ही होती हुई आई है। एज अर्ली एज 3000 BCE, BCE मतलब सेंचुरी वाला टाइम से भी पहले, एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया फॉर मोर देन अ मिलेनिया। कौरीज, अब कौरीज क्या होता है, इसे बेसिकली सीशेल कहते हैं। एंड पहले के टाइम पे जब करेंसी नहीं होती थी तो सीशेल को ही हम करेंसी की तरह मानते थे, तो हिंदी में इसे हम कौड़ी कहते हैं, कौड़ी, सॉरी, कहते हैं ना कि दो कौड़ी का इंसान नहीं है तू, है ना, तो वो कौड़ी जो है वो यही वाला कौड़ी है। तो मिलियन ईयर्स से भी क्या हो रहा था कि मालदीव से जो है ये सी शेल्स वगैरह का इधर से उधर जाना होता था टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। फिर डिसीज़ कैरिंग जर्म्स, डिसीज़ भी सोचो, बीमारियाँ भी एक दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह जो है जाया करती थी। पहला जो इसमें हम पढ़ने वाले वो है सिल्क रूट्स, कि सिल्क रूट्स ने कैसे वर्ल्ड को लिंक किया। तो जो सिल्क रूट्स है ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो नाम आया है सिल्क रूट्स, ये जो है एक वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोस की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड बाय सी। तो ओवर लैंड, लैंड से भी बहुत सारे सिल्क रूट्स है, लैंड के भी है, सी के भी है, ठीक है, जिससे जो है एशिया की दोस्ती हुई है यूरोप से और नॉर्दर्न अफ्रीका से। ऑल्सो ये जो है ना क्रिश्चियन एरा, जब क्रिश्चियनिटी कभी लाइक स्टार्टिंग नहीं हुई थी तब से ये सिल्क रूट्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं।
एंड चाइनीज़ पॉटरी, चाइनीज़ पॉटरी क्या होती है, पॉटरी मतलब जो भी मिट्टी का काम होता है जैसे कि बर्तन वर्तन नाना गमले वगैरह वो सब, तो वो चाइना में जब होती थी तो जो चाइनीज़ पॉटरी है वो भी इसी सिल्क रूट के थ्रू ही जाया करती थी। और इंडिया से जो है टेक्सटाइल और स्पाइसेस जाया करते थे फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया, एंड रिटर्न में प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर ये यूरोप से एशिया में आया करते थे। ट्रेड और कल्चरल चेंज जो है वो भी हमेशा चलता रहा था, जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब वो लोग जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, तो वो भी एक दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे लोगों को ये बोलने कि आप हमारा धर्म मानो, जैसे कि मुस्लिम प्रीचर्स भी जाया करते थे ऐसे ही। एंड बुद्धिज़्म का जैसे मैंने भी आपको एग्ज़ाम्पल दिया तो वो भी पहले बहुत हुआ करता था। अब आते हैं हम स्पेगेटी एंड पोटैटो। स्पेगेटी मतलब बेसिकली नॉर्मल शब्दों में कहे तो पास्ता जो ऐसे लंबी लंबी शेप में होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं। तो फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंट कल्चरल एक्सचेंज। जो ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स थे वो नए नए क्रॉप्स जो है वो इंट्रोड्यूस जब करते थे तो वो इधर से उधर जाता रहता था, और रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। रेडीमेड फूड स्टफ भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था, जैसे कि स्पेगेटी और नूडल्स है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो नूडल्स है वो चाइना में गए थे, ठीक है, चाइना से वो वेस्ट में गए थे और वो स्पेगेटी बन गए थे। देखो आपको पता है ना चाइना में चाउमीन खाई जाती है ना, चाइना में नूडल्स खाए जाते हैं, चाउमीन खाई जाती है, तो वो जो है ना वो वेस्ट में चली गई थी एंड वेस्ट में उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसको हल्का सा डिफरेंट करके उसका नाम रख दिया गया स्पेगेटी। और अरब ट्रेडर्स ने क्या किया, पास्ता को जो है सिसिली में लेके चले गए वो अरब ट्रेडर्स, जो कि इटली में, इसलिए हम कहते हैं जो पास्ता है वो इटली से आया है। ऐसे ही जो है इंडिया और जापान में भी जो है काफ़ी सारे खाने आए थे, एंड हमें अभी तक भी पता नहीं है कि उसका मेन ओरिजिन कहाँ से है। पास्ता सच में इटली का है या नहीं पता नहीं हमें, बस हमने एक वो हमें लगता है जो, तो हमने वो एज्यूम कर रखा है, तो वो हमारी एक अजम्पशन है, तो ये गेस वर्क होता है। एंड बहुत सारे कॉमन फूड जैसे कि आलू, सोया, ग्राउंडनट, मेज़, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सब चीज़ें जो है हमारे एंसेस्टर्स को पहले पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। ये जो खाना है ना ये यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ था और एशिया में इंट्रोड्यूस हुआ था जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दिया था, जिसे हम बाद में अमेरिका मतलब कहते हैं, तो उन्होंने एक कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया था जिसको भी हम अमेरिका कहते हैं, है ना, जो नीचे है ना छोटा सा। तो यहाँ पे इनफैक्ट मैनी ऑफ आर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियंस। जो अमेरिकन इंडियंस है उनके वहाँ से भी काफ़ी सारे हमारे कॉमन फूड्स आए। कभी कभार जो न्यू क्रॉप्स है दे कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो यूरोप के जो गरीब लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, उनका पेट भरने लगा था जब उन्होंने आलू की इन्वेंशन करी, जब उन्हें आलू के बारे में पता चला। आयरलैंड्स पुअरेस्ट पीजेंट्स बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो। जब वो पोटैटो पे इस हद तक डिपेंडेंट हो गए कि जब किसी डिसीज़ की वजह से पोटैटो क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो गई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग जो है स्टारवेशन के ही मर गए, कि खाने की कमी की वजह से मर गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड। तो डिसीज़ और ट्रेड भी कैसे एक जगह से दूसरी जगह गया वो देखते हैं। तो जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो बहुत ही ग्रेटली श्रैंक हुआ 16th century में, जब यूरोपियन सेलर्स ने एक सी रूट फाइंड आउट किया था जो कि एशिया की तरफ जाता था, एंड इट ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन। उसने वेस्टर्न ओशन को भी सक्सेसफुली क्रॉस किया था अमेरिका की तरफ। सेंचुरीज पहले से ही जो इंडियन ओशन है उसे हम एक बसलिंग ट्रेड कहते हैं, क्योंकि वो गुड्स को, नॉलेज को, लोगों को, कस्टम्स को, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सचेंज करता हुआ आया है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है
वो भी इस चीज़ों के लिए एक सेंटर की तरह, एक क्रूशियल पॉइंट की तरह काम करता है, क्योंकि जो भी एक्सचेंज करना होता है, जैसे कि मान लो यूरोप से इंडिया में आया कुछ और वो इंडिया वालों ने अमेरिका भिजवा दिया, तो एक तरीके से ना वो बीच का एक पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, फिर देखो, बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट। अमेरिका का पहले तो कोई कॉन्टैक्ट था ही नहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब बाकी के इस दुनिया से मिलियन ऑफ ईयर्स तक। पर 16th सेंचुरी के बाद से उसकी लैंड्स और अबंडेंट क्रॉप्स और मिनरल्स जो है वो ग्रो होने लगे, तो थोड़ा अच्छा होने लगा, तो उसकी भी पहचान होने लगी। बहुत सारे प्रेशियस मेटल जैसे कि सिल्वर माइन से जो है वो आते थे, और जो आज भी लोकेटेड है इन प्रेजेंट डे पीरू एंड मेक्सिको, इन्होंने भी यूरोप की जो वेल्थ है, उसकी जो अमीरी है, उसे बढ़ाया एंड उस ट्रेड जो है उसका अच्छा किया एशिया की तरफ। लेजेंड स्प्रेड इन 7th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ। लेजेंड्स मतलब यहाँ पे होता है स्टोरीज, तो स्टोरीज बहुत सारी स्प्रेड हुई इस टाइम पे साउथ अमेरिका के वेल्थ के बारे में, एंड बहुत सारे एक्सपेडिशन जो है वो सेट ऑफ हुए थे इन सर्च ऑफ एल डोरेडो, क्योंकि ये एक गोल्ड की फेबल सिटी थी। ठीक है, नाउ द पोर्टुगीज एंड स्पैनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका एंड सॉरी वॉज डिसिजिवली अंडर वे बाई द मिड 16th सेंचुरी। पोर्टुगीज़ और स्पैनिश लोग जो है उन्हें क्या करना था, उन्हें कॉलोनाइजेशन करना था अमेरिका का, तो वो भी मिड 16th सेंचुरी में हुआ था। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। जो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, कॉन्क्वेस्ट मतलब कि एक तरीके से कहते हैं ना बंदी बना लेना और कब्जा कर लेना, हाँ कब्जा, तो वो होता है। इन फैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पैनिश कॉन्करर्स वॉज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल, इट वॉज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट कैरीड ऑन देयर पर्सन। अब स्पैनिश कॉन्करर्स ने क्या किया, उन्होंने कोई वेपन वगैरह से नहीं कॉन्कर किया, मतलब कब्जा किया, उन्होंने क्या किया, जर्म स्प्रेड किए, जैसे कि स्मॉल पॉक्स के जर्म्स जो है, एक अगर पर्सन को स्मॉल पॉक्स हुआ तो उसे दूसरी कंट्री में भेज दिया ताकि वहाँ के लोगों को भी होने लग जाए। और इस वजह से, इस लॉन्ग आइसोलेशन, इस अकेलेपन की वजह से जो इतने टाइम तक अमेरिका रहा, अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनके अंदर कोई इम्यूनिटी ही नहीं बची। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स जो है इसलिए वो एक डेडली किलर की तरह प्रूफ हुआ, और जब इंट्रोड्यूस हुआ तो इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट अहेड इवन ऑफ यूरोपियंस रीचिंग देयर। इस हद तक वो फैल चुका था और उसने बहुत लोगों को किल कर दिया और होल कम्युनिटीज को किल कर दिया और कब्जा जो है यूरोप जो है वो कर पाया, तो यही चीज़ वो चाहते थे एंड वो हो गई। तो अभी लास्ट पेज बचा, इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्नड अगेंस्ट द इन्वेडर्स। तो गन्स भी जो है वो हो सकती थी कि कैप्चर करे या ख़रीद ले, है ना, एंड जो है इन्वेडर्स के अगेंस्ट जो है उन्हें टर्न किया। पर डिसीजेस जैसे कि स्मॉल पॉक्स वगैरह, इनसे लड़ने के लिए आपको कोई वेपन नहीं चाहिए, इनसे लड़ने के लिए आपको इम्यूनिटी चाहिए, एंड इम्यूनिटी जो है वो अमेरिकन लोगों के पास थी ही नहीं। अंटिल द 19th सेंचुरी पोवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। पोवर्टी, हंगर ये भी कॉमन हो चुका था यूरोप में, सिटीज़ जो है वो क्राउडेड हो चुकी थी और डेडली डिसीजेज भी जो है वो स्प्रेड हो रही थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन थे इस टाइम पे, एंड रिलीजियस डिसेंटर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन थे, एंड थाउजेंड्स जो है वो यूरोप चले गए थे, फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका। हेयर बाय द 18th सेंचुरी प्लांटेशन वर्कर्स वर्कड बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। तो अब जो है
एटीन सेंचुरी में प्लांटेशंस जो है, जो कि मतलब स्लेव लोग चलाते थे, वो भी अफ्रीका में कैप्चर हो गए थे, जो कि कॉटन एंड शुगर ग्रो कर रहे थे फॉर यूरोपियन मार्केट्स. अंटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री, वो भी वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री बन गई थी, एंड दे वर ऑल्सो प्रेमिनेंट इन एशियन ट्रेड. हाउएवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना जो है उसे कहा जाता है कि उसकी जो ओवरसीज है वो रिस्ट्रिक्टेड है एंड रिट्रीटेड है इन टू आइसोलेशन. चाइनाज रिड्यूस्ड रोल एंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिकाज ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड. यूरोप नाउ एमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. इसी तरीके से जो यूरोप है वो हमारा एक सेंटर बन चुका था वर्ल्ड ट्रेड का. मतलब यूरोप जो है एक तो वैसे ही बीच में है, ठीक है, तो उसको ही वहाँ से, जैसे मान लो ये यूरोप है, ये एशिया है, यूरोप जो है ना वहीं से सारा जो ट्रेड है वो हो रहा है. तो दिस इज़ आवर चैप्टर. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.